सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय मगध में हूँ, पाटलिपुत्रा में हूँ, जिसे वर्तमान में हम पटना और बिहार कहते हैं। शायद बिहार का नाम इसका इसीलिए पड़ा क्योंकि बहुजन महानायकों ने, सम्राटों ने बहुत अधिक बुद्ध विहार बनाए थे। मैं आज उस धरती पर हूँ, उस शहादत धरती पर हूँ, जहाँ बहुत पहले सामंतियों ने बाबू जगदेव कुशवाहा जी की हत्या कर दी थी। मैं उसी स्थान पर खड़ा हूँ, इसे कुर्था कहा जाता है। मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे समाधि स्थल है, मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा पीछे हटिए, समाधि स्थल है और आप इधर देख सकते हैं आदमकद प्रतिमा उनकी लगी है। ये बाबू जगदेव बाबू कुशवाहा जी हैं जिन्होंने हक वंचित असहाय कमजोर लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और उनको सत्ता हासिल कर सत्ता तक पहुंचाने का काम किया। इतना ही नहीं, वर्तमान के नेता सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं, बाबू जगदेव व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ते थे। आज इस यात्रा में मेरे साथ हैं सत्य शोधक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लॉर्ड बुद्धा बैंक के चेयरमैन आदरणीय ओपी मौर्या जी, आदरणीय राजेंद्र यादव जी और यहाँ के सभी जिंदा लोग हैं जो हमारे यहाँ आने पर इकट्ठे हुए हैं। इनको बड़ी खुशी हुई कि आज भंते सुमित रतन जी हमारे कुर्था में आए हैं। हालांकि आज ये दुख का समय है क्योंकि जीवन में आज मैं पहली बार कुर्था आया हूँ, बाबू जगदेव को नमन करने आया हूँ कि उस जमाने में वो सामंतियों से लड़ते रहे और अपने बहादुरी का, अपने साहस का लोहा मनवाते रहे। मैं चाहता हूँ आदरणीय ओपी मौर्या जी दो शब्द कहें आदरणीय बाबू जगदेव कुशवाहा जी के लिए। मैं लगभग आज से 15 साल पहले इस धरती पर आया हूँ और जगदेव बाबू की जीवनी में जो मैंने पढ़ा है, 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मुलाकात किए, वो बिहार लेनिन नहीं पूरे भारत के लेनिन हैं, जो यहाँ पर उस काल में जो उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसका जो आज फ़ायदा मिल रहा है पूरे देश के अंदर, जो SC ST OBC समाज के लोग जो आज सत्ता पे बैठे हुए हैं, ये बाबू जगदेव के साथ की कुर्बानी का सबसे बड़ा ये है। उन्होंने 3-3 बार बिहार की धरती पर मुख्यमंत्री पद को लात मारा। उन्होंने एक सामाजिक परिवर्तन में अपने आप को, जगदेव बाबू को मालूम था उनकी ये हत्या होने वाली इस जगह पर, फिर भी वो आए यहाँ पर और उन्होंने कहा कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा, तीसरा पीढ़ी राज करेगा। आज इस देश में यही परिस्थिति है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जगदेव बाबू को नमन करता हूँ। इतना ही नहीं, आज हम लोग OBC SC समाज के लोग तमाम राजनीतिक पार्टियाँ चला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की धरती के राम स्वरूप वर्मा और बिहार की धरती के बाबू जगदेव, दोनों लोगों ने मिलकर के शोषित समाज दल बनाया था। एक दौर था उनके पास 37 विधायक हुआ करते थे, वो अपना मुख्यमंत्री बना देते थे, लेकिन आज शोषित समाज दल कहाँ है। इतना ही नहीं, आज के 150 साल पहले ज्योतिबा राव फुले ने सत्य शोधक समाज बनाया। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि वो सत्य शोधक समाज कहाँ है। मेरे साथ हैं जाबाज बहादुर राजेंद्र यादव जी, उनकी ये धरती है, उनकी ये पैदाइश है। मैं चाहता हूँ कम शब्दों में बाबू जगदेव के बारे में बताएं, आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भंते साहब, और धन्यवाद देता हूँ आज भंते जी के सम्मान में, आज एक महामानव जो इस कुर्था के धरती पर देश के कमजोर लोगों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियत के लोगों के लिए अपने आप को बलि के वेदी पर चढ़ा दिया, उनके आज स्मारक भूमि पर दर्शन कराए हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड के अध्यक्ष उदय यादव जी और सम्मानित राष्ट्रीय जनता दल के जिला के बड़े नेता हमारे प्रमुख जी दयानंद जी और हमारे बिल्कुल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नौजवानों का नेता विश्वरंजन गोप जी और तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। समय ज़्यादा नहीं ले सकता क्योंकि भंते जी को अगले कार्यक्रम में, अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम में जाना है। मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज जिसके लिए जगदेव बाबू अपने सीने में गोली खा लिया, जिस समाज के लिए, वंचितों के लिए, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, जवान देने के लिए, ताकत देने के लिए, शक्ति देने के लिए, इंसाफ देने के लिए अपने आप को बलि की वेदी पर चढ़ा दिया, बड़ी अफसोस की बात है कि आज भी जगदेव बाबू की लड़ाई अधूरी है। आज भी इस देश में जो मनुवादी ताकतें हैं इस देश के संविधान को धारण करना चाहता है, आज भी बाबा साहब के संविधान से देश चलने देना चाहता है, आज भी ये देश एक बार फिर मनुवाद के गुलाम में, जंजीर में जकड़ते जा रहा है, वैसी परिस्थिति में जगदेव बाबू का नाम लेना बड़ा अप्रासंगिक होगा। वैसी परिस्थिति में मैं तमाम उपस्थित लोगों को और जो खास करके आदरणीय भंते जी के सुमित रत्न जी, जो आज खास करके सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में पूरे भारत में जिस तरह से भारत को बौद्धिस्ट बनाने का सपना, जगदेव बाबू के सपना को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, मैं अपने दिल के गहराइयों से बधाई देता हूँ और मैं आश्वस्त करता हूँ कि बाबू जगदेव जैसे वीरों की अगर जरूरी पड़ेगी तो कुर्था में आज भी उनका अंश है,
उनका खून हमारे रगों में दौड़ रहा है। किसी भी समय बलिदान की लाइन में हम खड़े होकर के इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई में खड़े रहेंगे। बोलो जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू जिंदाबाद। अफसोस इस बात का है कि जगदेव बाबू को कातिलों को हम आज तक सजा नहीं दे पाए। जगदेव बाबू को कातिलों का उस दिन सजा होगा जब भारत ये देश संविधान से चलेगा, जिस दिन गरीब का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा इस देश की सत्ता का कुर्सी पर बैठ करके न्यायपालिका पर, राज्यपालिका पर, पत्रकारिता पर मजबूती के साथ जिसकी जितना संख्या भारी उनको उतनी भागीदारी मिल जाएगी, बाबू जगदेव का सपना उसी दिन पूरा हो जाएगा। तब तक अनवरत हम लड़ते रहेंगे जब तक बाबू जगदेव और बाबा साहब के संविधान का जो हमारी खास करके जो प्रियम्बल है वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बनते सुमित्र संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बनते जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबू जगदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबू जगदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सामाजिक आंदोलन में, धार्मिक आंदोलन में नारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। बाबू जगदेव ने आज के कितने वर्ष पहले बहुत बेहतरीन नारे दिए और उन नारों से वो जगाया करते थे। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आज के इस विशेष अवसर पर बाबू जगदेव के नारों की गूंज लगनी चाहिए। जी, जगदेव जी के नारे बोलिए आप लोग। 10 में 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जुर्म के खेती में बगावत के किसान पैदा होते हैं और वक्त की मांग पर श्मशान में भी इंसान पैदा होते हैं, बाबू जगदेव बाबू का कहना था। तो आप सभी लोगों को उनके तमाम नारे याद हैं, उनके आदर्शों पर, उनके विचारों पर ये चलने वाले लोग हैं। जब भी कभी आप पाटिल पुत्र आए, बिहार की धरती पर आए, तो एक बार इस महापुरुष को जरूर नमन करिए कि जिसने अपनी बलवेदी पर चढ़ाकर अपने आप को मिठा करके हक वंचित, असहाय, कमजोर और कमीरा समाज की रक्षा की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना।